नमस्कार जी, ये है पावर प्लस। हम इसकी सर्विसिंग करेंगे, इंजन ऑयल चेंज करेंगे, ऑयल फिल्टर चेंज करेंगे। डीजल फिल्टर अभी हमारे पास नहीं है, अभी हम इसका काम नहीं करेंगे कि क्राउन ऑयल और भी चेंज करेंगे। तो उसकी सेपरेट वीडियो रहेंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और अगर M2 DICR या DI का आपको सर्विसिंग देखना है तो वो ऑलरेडी मैंने बना के रखा है, आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अभी इसकी बारी है पावर प्लस की, खोलना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑयल ड्रेन करेंगे हम 22 mm की बोटी से खोलेंगे। 22 ये खुल गया अपना। अभी बिल्कुल ख़त्म की क्वालिटी है, पर यह है कि चिकनाई है इस ऑयल में, अभी काम करेगा। ये ज़्यादा भी चल गई है 10,200। अभी इसका हम ड्रेन होने देंगे, अब हम फिल्टर निकालेंगे इसका। पावर प्लस का फिल्टर अपन को ऊपर से निकालना पड़ता है, जबकि DI में आप नीचे से निकाल सकते हैं, या M2 DICR में। इसके लिए ये स्पेशल टूल होता है, ये है। अब इसे एंटी क्लॉक वाइज घुमा दीजिए, ये देखिए खुल गया अपना। अब इसे आप एंटी क्लॉक वाइज निकाल लीजिए, ये हल्का सा ढीला करना पड़ता है आपको, फिर ये निकाल लीजिए। और ये पावर प्लस में निकालने में इतनी दिक्कत होती है, VS6 में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ये अपना फिल्टर आ गया, या ड्रेन नट को क्लीन कर दिया है। इसमें आपके तांबा का वॉशर आता है, और ये जो है ये मैग्नेटिक होता है, तो इसको मेक श्योर करें, ज़रूर क्लीन कर लें, फिर इसे लगा दें। बहुत ज़्यादा नहीं टाइट करना है, क्योंकि ये एक्चुअल में एल्युमिनियम को होता है। इतना ही कसें कि हल्क टाइट हो जाए बस, और लीकेज ना हो, ओवर टाइट ना करें, नहीं तो एल्युमिनियम का ये ख़राब हो जाएगा, फिर आपको फिर से खराद पे ले जाना पड़ेगा, इसमें रिंग बनवानी पड़ेगी, बहुत सारी दिक्कत हो। नॉर्मल टाइट कर दें। मेक श्योर करने के लिए जब भी गाड़ी आप 10-15 किलोमीटर चला लें तो एक बार नीचे झुक के देख लें, कहीं आपका ये लीकेज तो नहीं है। और ये ब्रेक रॉड ढीला हो गया, देख रहे हो गैप ढीला हो गया, ब्रेक रॉड को पुश। हम इसमें कैस्ट्रोल CRB टर्बो मैक्स डाल रहे हैं 15W40, और ये फिल्टर है। अभी आप इसके ये टाइमिंग चेन और साथ में ये केम शॉफ्ट देख रहे हो, आप क्लीन ही दिख रहे हैं, वो ब्लैकनेस है हल्का सा के काम, बाकी ठीक है, कंडीशन बहुत अच्छी है इसकी। आपको एल्युमिनियम बिल्कुल चमक रहा हुआ दिख रहा होगा। तो ये हम खोल रहे हैं, वैसे इसमें मैग्नेटिक वाला महंगा आता है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपको हल्का सा ऑयल होना चाहिए, क्योंकि जब हम सम्प से ऑयल खींचता है, फिर फिल्टर पे आता है, फिर जाके आपके हेड पे आता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और पेपर में जब डायरेक्ट ऑयल जाता है प्रेशराइज, तो उसको टाइम लगता है, क्योंकि आपने देखा होगा पेपर अगर एक बार गीला हो जाए तो फास्टली पानी निकलता है, लेकिन अगर ड्राई रहता है तो कम निकलता है, मतलब शुरुआत में आपको रिस्ट्रिक्शन महसूस होती है। इसलिए पहले इसमें ऑयल डाल दें, उसके बाद इस रबर में ऑयल डाल दें, फिर इसको लगा दें, वो ज़्यादा बेहतर है। ड्राई पे भी लगाते हैं, लगाने को आप कुछ भी कर सकते हो भाई साहब, कुछ भी कर सकते हो, पर प्रिकॉशन अपनी जगह पे है, चल रहा है काम तो कोई बात नहीं। तो हम सबसे पहले इसमें ऑयल डालेंगे हल्का सा, फिर आप इसे निकाल दें। हल्का फुल्का ऑयल गिरेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 7.5 लीटर है, तो 7 लीटर तो अपने में यूज होता है। ये हो गया, और ये जो ऑयल बचा हुआ है इस आप रिंग को लगा दें। जिस असेंबली में आपको लगाना है, जैसे इस असेंबली में लगाना है, तो पहले इसको अच्छे से क्लीन कर दें। बहुत हल्ला किया लड़का। एक और डिफरेंस बता दूं, M2 DICR DI में आपका ऑयल कूलर नहीं होता है, पर पावर प्लस या यमहा की जितनी भी गाड़ियां हैं ऑयल कूलर होता है, वो आपको मैं दिखाता हूं। ये जो आप असेंबली देख रहे हैं, ये जो असेंबली देख रहे हैं ना, इसके ऊपर फिल्टर लगता है, जो कि अपना डायरेक्ट इंजन के माउंट से फिल्टर लगता है। अब ये देखिए आप, अलग से ये एक्स्ट्रा दिख रहा है, इस पर आपके उलंट आ रहा है, आप देखोगे, ये देखिए इस फिल्टर से आपको ये पाइप दिख रही है ना, इसमें कूलेंट आता है, यहाँ से कूलेंट ऑयल को ठंडा करता है। कभी कभी ये कूलेंट आखिर ऑयल में
कूलेंट मिक्स होता है पता नहीं चलता, तो कभी कभी ये भी खराब हो जाने से, जंग खाने से खराब होने से कूलेंट यहाँ से जाता है। तो इसमें ऑयल कूलर है, अपनी गाड़ियों में नहीं है। स्कॉर्पियो में लगभग सीआरडी में भी यही ऑयल कूलर यूज होता था। चलिए सबसे पहले इसको लगाते हैं। ये देखिए मैंने ऑयल लगा दिया है, इसे भी अच्छे से क्लीन कर दिया है असेंबली को। अब ऑयल आता कहाँ से? ऑयल आपका इस लाइन से आता है और फिल्टर होके सेंटर वाली लाइन से वापस चला जाता है आपके इंजन में। आपका फिल्टर जब भी लगाएं बिल्कुल फ्री होना चाहिए, घूमना चाहिए, खिलौने की तरह आप उसे घुमा सकते। अब ये टाइट हो गया, अब आप स्पेशल रिंग से टाइट कर दो। ये अपना टाइट हो चुका है, इतना टाइट कर दें कि वो ऐसे तो हाथ से खुल जाना चाहिए, पर बहुत टाइट ना करें, नहीं तो उसकी जो सील है वो फट जाएगी और फिर फालतू में ऑयल आपका निकलने लगेगा। तो अभी इतना टाइट है, ऑलरेडी हमने ड्रेन नट को टाइट कर दिया, तो हम यहाँ से ऑयल डालेंगे। इंजन ऑयल इंडिकेटर या डीप स्टिक को आपको क्लीन करके फुल नहीं बंद करना है, हल्का हाफ इसको उठा के रखना है और फिर आपको ऑयल डालना है। ये बहुत छोटी कुप्पी है, इसके लिए बड़ी कुप्पी चाहिए। ये हमने अलग से बॉटल लाया है, कौन अंदाजा लगाए, आधा लीटर इसी में डाल देते हैं। ये हमने आधा लीटर डाल दिया है, अब हम बिना किसी चिंता के इसमें पूरा डाल देंगे। तो ये आल अपना डल चुका है, उस पर हम कैप लगा देंगे, ये लॉक हो गया अपना। फिल्टर इसका क्लीन है, ये अभी रिसेंट में हमने करवाया था, 1000 किलोमीटर भी नहीं चली है, और जैसा मैंने बताया फ्यूल फिल्टर अपने पास है ही नहीं है, तो उसकी बात ही हटा दीजिए। क्राउन ऑयल का आपको वीडियो मिल जाएगा, इसका गियर ऑयल का इसका अलग लगता है। गियर ऑयल का जब मैं अपने में डालूंगा तो फिर आपको दिखाऊंगा। ये देखिए अपनी गाड़ी स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ड्रेन प्लग के नीचे आपको ऑयल नहीं दिखेगा, ये फिल्टर के नीचे का ऑयल है, वहाँ पे कोई ऑयल नहीं। आपको डिफरेंशियल के नीचे भी ऑयल नहीं दिखेगा। एक बात तो है, आवाज़ चेंज हो जाती है जैसे ही सर्विसिंग हो जाती है। तो इसी तरह आप आपकी सर्विसिंग कर सकते हैं। साहब की गाड़ी है, साहब खुद पूछने में लगे। मेन आपका 3 फिल्टर होते हैं सर्विसिंग के समय पर, एक ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, एयर फिल्टर। सर अगर आपने रिसेंट में 10,000 के अंदर चेंज किया है या 10,000 के आसपास, तो आप उसको क्लीन करा दें हवा एयर प्रेशर से। इंजन ऑयल फिल्टर हमेशा जब भी आप ऑयल चेंज करते हैं तब चेंज होता है। फ्यूल फिल्टर 10,000-12,000 इसके आसपास है, झंझट इसमें ज़्यादा नहीं रहती, जैसा मैंने किया है वैसे ही आप कर लो। 2500 में 7.5 लीटर कैस्ट्रोल का ऑयल आया, जो अपना इंजन ऑयल फिल्टर है वो 171 रुपये का है। 601 रुपये का प्रेजेंट टाइम में आपका फ्यूल फिल्टर, वो हमने फिर बाद में लगवा दिया था कि मैं जल्दी में वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि जाना था कहीं। खैर एक और गाड़ी है उसका मैं आपके लिए बना दूंगा। टूल्स बहुत सस्ते हैं, 22 नंबर की टमी आपको 100-150 के आसपास पड़ेगी टापरिया की, और ये वाला 150 रुपये के आसपास। तो जितने में आप एक बार सर्विसिंग कराओगे उतने में तो आपको ये पार्ट्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद आप सभी का।